तब पुण्यवासी आज आ रहे हैं जब हरियर गंगा नहा जा रही बहुत पछुआ जा रही है साथ हिमाचल चित्रहार और चीजें देख रहे थे। अब इस पार्टी का तमाशा बाबूजी आप लोग के सामने पेश है। अब हमारे तमाशे का आप लोग प्रथम सीन देखिए, लेकिन तमाशा शुरू होने से पहले भैया देखा हम सभी कहा का थक गए यार, हमने की अरे आराम से बैठ गया यार, जहाँ भी यार हमने दूसरे गांव नचे गए यहाँ कहीं के कम से कम जहाँ ताली बड़े हो गए बहुत अच्छा रहे। ऐसा था हमसे बात कैसा होता है कि कजे वहाँ बहुत बेकार बने हुए रहे यार। तो आप लोग बैठ जाइए, क्यों फालतू वहां खड़े हो और इधर लोग आप ही लोग बैठ जाइए। अब सारे आपका मामला है, संगीत शुरू होने जा रही है। अब हमारे तमाशे का प्रथम सुन देखिए, जय हिंद जय भारत। जिला बनारस रामसरा फूलपुर, जिला बनारस रामसरा फूलपुर, और इस जिला बनारस रामसरा फूलपुर के मंत्री साहब श्रीमान त्रिलोकनाथ तिवारी जी, मैं उन्हीं के यहाँ का पीए हूँ। मैं श्रीमान त्रिलोकनाथ तिवारी जी का सेक्रेटरी हूँ, लोग मुझे लोकाराम दुबे कहते हैं। आज की साल गीत गया इसी अभियान में श्रीमान त्रिलोकनाथ तिवारी जी के खिलाफ किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया। 20-22 साल से मंत्री पद पे वो रह रहे हैं और रहेंगे, ये हमारा वादा है। हर साल की तरह 28 साल भी हमारे त्रिलोकनाथ तिवारी जी का चुनाव निशान मिल गया है। आप लोगों को चुनाव निशान की जानकारी मैं दे रहा हूँ। त्रिलोकनाथ तिवारी जी का चुनाव निशान है काला कुत्ता। आप लोग काले कुत्ते पर मोहर लगाकर श्रीमान त्रिलोकनाथ तिवारी जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे और उनके हाथों को मजबूत बनाएंगे। हम वादा करते हैं, लोग आराम से वादा करता है कि आपकी हर सुविधा का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर आप लोग किसी के कहने में, किसी के सुनने में, किसी के बहकाने में नहीं आएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे 20-22 साल से आप खुशियां की जिंदगी काट रहे हैं वैसे काटते रहेंगे और हमारे मंत्री साहब अपने पद को निभाते रहेंगे। हम आपकी खुशियों के लिए, हम आपकी खुशियों के लिए सरकार से अपील करेंगे, जो भी सुविधा आपके पास नहीं होगी उस सुविधा को लाने की कोशिश करेंगे। माताओं और बहनों, भाइयों और बहनों, काका और दादा, आप लोगों का चुनाव निशान काला कुत्ता है। आप लोग काले कुत्ते पर मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आप लोगों के सामने हमारे मंत्री साहब आने वाले हैं, मैं उनको पता करता हूँ कि इस समय कहाँ पर है। दिल तो जाएंगे उठा लेंगे। हेलो हाँ सर, लोटाराम? हाँ सर, लोटाराम बोल रहा हूँ। हाँ, तुम्हें फोन लगाएगा? हाँ सर। क्या बात है सर, कहाँ है आप इस वक्त? मैं दिल्ली में हूँ सर। क्या कोई मीटिंग कर रही है? हाँ, एक मीटिंग में हूँ सर। कितने टाइम लगेगा? ये करीब 2 घंटे। नहीं सर, 2 घंटे बहुत ज्यादा है सर। जितने जल्दी हो सके वहाँ की मीटिंग खत्म करके आप तत्काल यहाँ आ जाइए। लोटाराम
लोटाराम सर, अभी हम इस मीटिंग में बहुत बिजी हैं और दो घंटे से कम मुझे लग रहा है। सर कोशिश कीजिए वहां की मीटिंग वहां से खत्म कर दीजिए। सर आपकी जनता, फोनपुर की जनता आपके मिला व्याकुल हो रही है, आपके दर्शन के लिए काफी भीड़ लगी है। सर आप बहुत जल्दी कोशिश करिए सर। अरे फिर भी अच्छा से ठीक है, जनता के जनता सुना ले रखो। यस सर, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। ओके सर। भाइयों बहनों, आपके सामने श्रीमान की लकीना तिवारी जी आने वाले हैं, आपके सामने पढ़ाने वाले हैं। आप लोगों के स्वागत के लिए जोरदार तालियां। यस सर, इस जिला बनाया था ठीक तो है, किसी प्रकार कोई कमी नहीं। लोटाराम यस सर, जैसा कि इस जिला बनारस में क्या की जनता हमसे हर वक्त खुश रहती थी, और हम जानते हैं कि आज भी हमसे जनता खुश है। हाँ सर, क्या की अपार भीड़ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लोटाराम यस सर, अब जिस प्रकार आज चार पंचवर्षीय से जीत रहे हैं, हाँ सर, वो भी निर्विरोध मेरे खिलाफ, यस सर, आज तक इस तरह की जनता ने आवाज नहीं उठाया। बिल्कुल नहीं सर। और आप जानते हैं कि आज भी कोई आवाज नहीं उठाएगा। मैं वादा करता हूं कि जो कुछ हमने नहीं किया है, अगर आप लोग मेरा साथ देते रहे तो मैं हर रोज की तरह अब की चाल भी जो कुछ बाकी है उसको पूरा करके दिखाऊंगा। क्यों नहीं सर, और कोई खास बात सर, जो आज तक नहीं हुआ है सर आज हो रहा है। आज तक आपके खिलाफ आवाज नहीं उठी, आपके खिलाफ कदम नहीं उठा, आपके खिलाफ किसी ने पर्चा नहीं लगाया, लेकिन सर आज जिस 22 साल के बाद किसी ने हिम्मत की है आपके खिलाफ पर्चा लगा रहा है सर। मतलब पानी मिले क्या मगर से बैल कौन हो जाना है, कौन है एक इंसान जो हमारा खिलाफ जो हमारे खिलाफ सलावज उठाया, कौन है वो सर? आपके खिलाफ एक इंसान ऐसा पैदा हुआ है इस जिले बनारस ग्राम सभा फूलपुर में कि आप का डर उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। मास्टर दिनेनाथ पांडे सर, मास्टर दिनेनाथ पांडे आपके खिलाफ पर्चा लगाया है और आपके खिलाफ प्रचार प्रसार जारी है उसका। हाँ सर, अरे जिला बनारस में चाहे मास्टर दिनेनाथ पांडे हो क्या अवसरी हो, अगर मैं हार गया तो डिस्ट्रिक्ट बनारस वालों अपना कान का पर्दा खोलो और मेरी बात सुनो। अगर मैं यहां हार गया, याद रखो आग लगवा दूंगा, जरा जरा आग कर दूंगा और हाथों से फल फल इस गांव की जनता जो सारा हमारे सामने जब मैं निकलता हूं ऐसा लगता कोई तूफान आ रहा है। अरे इसकी मजा क्या था लगी, और रही बात बोल बोल की लेटर ऑन यस सर, और बूथ पे अपना जिक्र नेता डाल दो चाहे कब चीज करना पड़े। यस सर,
चाहे बक्सा गायब करना पड़े। यस सर, मुझे जीतना है तो जीतना है। वो तो होगा सर, अगर हार गया तो जनता अपनी पीठ में भूत रखेगी। यस सर, कट डालूंगा सर को। तुम तो जानते हो कि मेरी पत्नी, हाँ सर, किसकी बेटी है। हाँ सर, ये बात दिल्ली तक जाएगी। जाएगी, बिल्कुल जाएगी सर, दिल्ली तक जाएगी। क्यों जाएगी सर? ये खबर बिच्छू रानी को देना चाहिए। आओ मैं सर, चलिए सर, आओ आओ मैं अभी आप लोगों से हाथ जोड़कर रहित होगा कि आप लोग अपना चुनाव निशान मत भूलना, काला कुत्ता। नहीं, हमारे मंत्री साहब के आप गुस्से को नहीं देखा है, अभी तक तो प्यार दुलार देखा है। अगर इनके गुस्सा आ गया तो कसम से पता नहीं क्या कर डालेंगे, मुझे भी नहीं पता है। इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि अपना चुनाव निशान मत भूलना, काला कुत्ता। काले कुत्ते पर महल लगाकर भारी से भारी मतों से श्रीमती नाथ तिवारी जी को विजयी बनाना, किसी के कहने में, किसी के सुनने में, किसी के बहकाने में नहीं आना है। आप लोगों को श्रीमती नाथ तिवारी जी के हाथों को मजबूत बनाना है। अब किस साल ये आपके नेता है, इस साल से आपके सेवा में लगे रहते हैं और मैं भी आपकी सेवा में लगा हूँ। इसलिए मान सम्मान की बात है, इज्जत की बात है। अगर श्रीमती नाथ तिवारी जी हार गए तो क्या रह जाएगी, और मेरी क्या हो जाएगी। तुमको नहीं मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। गली गली में शेर है, नाम शेर है, गली गली में झाड़ू है, नाम गांव आए। तुमने हमारे साथ बदतमीजी किया है, अरे हमारे साथ तुमने बदतमीजी किया। अबे तुमने हमको जाना नहीं कि हम किस किस्म का आदमी हुआ। तुमने मुझसे चोर कहा, हमने बर्दाश्त कर लिया। गली गली में झाड़ू है, लोटे है मुआ गाड़ू। अरे तुमने जरा भी सपोर्ट नहीं किया, जरा भी नहीं सोचा कि लोटाराम से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। अगर मैं तुम पर हावी हो जाऊंगा तो एक दिन रहना मुश्किल हो जाएगा। ये बात अगर श्रीमती नाथ तिवारी जी को बताऊंगा तो कसम से पता नहीं क्या कर डालेंगे। लेकिन मुझे कुछ भी कहो तुम लोग, मुझे माथ मलाड़ बिल्कुल नहीं है, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं हाथ जोड़ूंगा कि आप लोग काले कुत्ते पर मोहर लगाना, श्रीमती नाथ तिवारी जी को विजयी बनाना बस। कोई भी सवाल घात मत करना हमारे तिवारी जी के साथ। अरे बोले नेता जी का विजयी और बनाया भाई हो, अपने नेता जी का विजयी और बनाया भाई हो, के बनाया भाई हो। काला कुत्ता पर, काला कुत्ता पर मोहरिया लगाया भाई हो। सुविधा के लिए मैं उनसे कहूंगा, अब किस साल होता है।
मजा मिलता है। इस 22 साल के बीच में ऐसा नहीं हुआ है। अगर आपकी चाल ऐसा हो गया तो ना कट जाएगी, अगर तिवारी जी की ना कटी तो आप सबकी ना कटी। अभी तक तो तिलोकी नाम का प्रचार आप लोग सुन रहे थे, और अब इन्हीं के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हुए हैं जिनका नाम दीनानाथ पांडे मास्टर साहब, वो जिला बनारस गांव फूलपुर का ही रहने वाले नहीं था, आप पांच मरीजे रिटायर्ड मास्टर साहब, हम उनके पड़ोसी हैं और वो सारा आदमी मुझे विचार बनाए तो हम लोग दीनानाथ पांडे से कहा, ये बताइए पांडे जी क्या तिलोकीनाथ इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्या आप नहीं लड़ सकते हैं? तो उन्हें कहने लगे कि मिश्रा जी क्यों नहीं लड़ सकता हूं, तो हम लोग विचार बनाकर इलेक्शन को खड़े रहे हैं और इलेक्शन में खड़े हुए हैं। अब आप लोग के बीच में दीनानाथ पांडे जी आने वाले हैं, आप लोग उनको विचारों को सुनिए और समझिए, और जब दीनानाथ पांडे जी आ गए उनका तालियों से स्वागत कीजिएगा दोस्तों। अब आप लोग के बीच में कुछ होगा, दीनानाथ पांडे जी आपके बीच में आने वाले हैं। हाँ गुरु जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी, ये बात जानते हो कि तुम हमारे पड़ोसी हो? क्यों नहीं, मैं पड़ोसी नहीं जानता हूँ, घर का सदस्य जानता हूँ। जी गुरु जी, जैसे मेरे एक बेटा एक बेटी है बेटा समझता हूँ, बचपन में तो हमारी अर्धांगनेश्वर को प्यारी हो गई है, लेकिन दो बच्चे देकर गई है, एक लड़का एक लड़की। जी गुरु जी, लड़के का नाम भोला, बेटी का नाम सीता। ग्राम फूलपुर और एक छोटा सा कुआं है जिसे रायपुर कहते हैं, वो फूलपुर में क्यों रहेगी? आज तक तिलोकीनाथ मंदिर यहां के मंत्री रहे, लेकिन जनता को विकास में एक पैसे नहीं दिया। क्यों रहेगी?
मैं प्राइमरी का अध्यापक था जी। हमें गवर्नमेंट तनख्वाह देते थे जी, लेकिन मैं हमारी ड्यूटी पूरा हो गई क्यों घर वाले पेंशन देते हैं जी। तो मैंने सोचा कि हमारे इलाके में ये ग्राम भोलपुर में जगह जगह गड्ढे जगह जगह कूड़ा कबाड़ नहीं, कोई आवास दिया है नहीं, कोई कलोनी दिया नहीं, कोई शिकरों दिया नहीं दिया जी। ये गरीब जनता का वोट कितना कीमत का होता है जानते हो जी। वोट लेते हैं और जनता आवाज उठाती है तो उसे जूते बाजार करते ये कहां का नेम है, कहां का अधिकार है कि जनता की वोट रसगुल्ला वो शांते हैं और जूता बाजार जनता को होती है नहीं। उनके खिलाफ हम टिकट लगाए हैं और मैदान में आए हैं तो जी। मेरा बेटा भोला प्रचार में गया है जी जी। और हमारा चुनाव निशान बता दिया है ना जी। मैं भी प्रचार में गया था यस सर। अब दोस्तों यही आप लोग के बीच में देना पांडे जी आए हुए है, आप लोग का सहयोग रहेगा, प्रेम भाव रहेगा तो एक दिन एक विजयी पंच दिखाएंगे। दोस्तों माताओं और बहनों, छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों, इनका चुनाव निशान लाल घोड़ा है। मेरे साथियों, अगर मैं यहां का मंत्री बनूंगा तो दिल्ली का दरवाजा खटखटाऊंगा और विकास जो होगा अपनी झोली में नहीं, हम तमाम जनता की झोली में डालने का काम आसान हो गया तो दीनाबाद पांडे